केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया इंटीग्रेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं इंटीग्रेशन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंटीग्रेशन में से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4 dx/(1 + 10x) इज इक्वल टू, इन चारों में से क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 dx/(1 + 10x). हम यहाँ पे हमको दिया हुआ है π/4, मतलब कि इस 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं dx/(1 + 10π/4 - x), वही मिलेगा हमको। यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे dx/(0 to π/4) dx/(1 + यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा कौन सा वाला, 10x - y वाला। 10x - y क्या होता है, 10x, x की जगह पे है π/4, y की जगह पे है x, यानी कि होगा 10x मतलब 10π/4 - 10y यानी कि 10x/(1 + 10x × 10y) यानी कि 10π/4 × 10y यानी कि 10x। तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 dx/(1 + 10π/4) की वैल्यू होती है 1, यानी कि 1 - 10x/(1 + यहाँ पे भी हो जाएगा 1 यानी कि 10x/(1 + 10x). इसको हम ले लेते हैं सामने की साइड और डिवीजन को भेज देते हैं ऊपर, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 + 10x dx/(1 + 10x + 1 - 10x). +10x - 10x कैंसल आउट, यहाँ पे बचा क्या, इंटीग्रेशन 0 to π/4 बचा हमारे पास 1 + 10x dx/(2), तो दोनों को 2 इंडिविजुअल दे लेते हैं एंड दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेशन दे लेते, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to π/4, 1/2 कांस्टेंट है तो आ जाएगा बाहर, सिर्फ आएगा यहाँ पे dx + इंटीग्रेशन 0 to π/4, यहाँ पे भी 1/2 कांस्टेंट यानी कि बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं अब 1/2, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके π/4, +1/2, 10 का इंटीग्रेशन होता है ln मोड sec x, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके π/4 तक। लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे होगी 1/2π/4 यानी कि π/4, 0 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, +1/2 यहाँ पे आ जाएगा ln मोड sec π/4, 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 होगा। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा π/8 + 1/2 ln mod sec π/4 की वैल्यू क्या होती है, √2, तो अप्लाई कर देते हैं यानी कि π/8 + 1/2 ln sec π/4 होता है √2। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास रूट में कोई ऑप्शन नहीं है, तो रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की 1/2 पावर, तो ln में लॉग में क्या होता है, पावर आ जाती है आगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगी पावर, यानी कि हमको मिलेगा π/8 +
वन अपॉन फोर एल एन टू, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा पाई बाय एट प्लस वन अपॉन फोर एल एन टू, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला पाई बाय एट प्लस वन अपॉन टू एल एन टू, जो कि हमको पूछा गया, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।